हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिलहाल मैं दिल्ली से निकल के हरिद्वार पहुंच चुकी हूँ। ये हरिद्वार का एरिया है। दिल्ली से लगभग 202 या 207 किलोमीटर पे आपको हरिद्वार गिरेगा। दिल्ली से ट्रेन से भी आ सकते हो हरिद्वार या ऋषिकेश, नो प्रॉब्लम। देहरादून एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस अवेलेबल रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लगेज था और लगेज लेके जनरल में ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सेफ रास्ता अपनाया जो कि है टिकट लेके अपनी बस में चढ़ जाओ। इससे ऋषिकेश हम उतरने वाले हैं। ऋषिकेश से आगे हमारी मेन जर्नी जो है केदारनाथ धाम के लिए वो चालू होगी। हरिद्वार पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है। बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है इस प्लेस पे। नाउ आई रीच ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हम तो रात को ही आ गए थे, 9-10 बज गए थे क्योंकि बहुत जाम था। बट फिलहाल रात भर स्टे करने के बाद में सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ बस स्टैंड के लिए। ये पूरा ट्रैवलिंग का असर आप मेरे फेस पे साफ देख सकते हो। ये है मेरा लगेज। यहाँ पे रात के 3 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक ही सोनप्रयाग के लिए बसेस अवेलेबल होती है, और सोनप्रयाग वन एंड ओनली ऐसा वे है जहाँ से आप केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हो। पिछले ब्लॉग में मैंने नागपुर से स्टार्ट की थी जर्नी हमारी, जो कि दिल्ली और बियॉन्ड दिल्ली थी। दिल्ली से मैं निकल गई थी आगे के सफर के लिए, तो आपने मुझे बजट के बारे में पूछा था, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बजट मेंशन कर दिया है। जिन्होंने 31 जो है बस में बैठ जाए, 31 92 के जिले यात्रियों ने टिकट लिए हुए हैं। बट आगे की सीरीज में मैं आपको बजट बताते हुए चलूंगी कि कहाँ पे क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आपने ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है बस के, तो आप इसी बस स्टैंड से अपनी बस ले सकते हो। ऋषिकेश बस स्टैंड पे ही आपको मोबाइल कवर और टेम्पररी रेनकोट्स भी मिलते हैं, क्योंकि आगे केदारनाथ में हर एक घंटे में मौसम चेंज होता है। अब यहाँ तक आए हैं तो एक नजर ये बस स्टॉप पे भी डाल लो। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है आप खुद ही पढ़ सकते हो। मैं एक पूरा यहाँ का होल सरफेस का आपको एक व्यू दे देती हूँ। सो आप यहाँ पे चार्जेस, कौन सी बस, कितने बजे, कैसा क्या है, बुकिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ऋषिकेश में आपको बहुत सारे डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे, स्पेशली योगा सिटी है ये पूरी, और योगा नगरी में आपका स्वागत है। ये तो आपको हर जगह देखने मिल ही जाएगा। बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप अगर आते हैं तो ये सब करके जाइए, वर्थ इट है, पैसा वसूल चीज है पूरी। यहाँ पे बोट लेके जा रहे हैं, ऐसे ही रिवर राफ्टिंग के लिए आपको लेके जाते हैं। मैं पीक सीजन में आई हूँ तो यहाँ पे पहले से ही बुक करना पड़ता है, सो वो पॉसिबल नहीं हुआ था। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब तारिक मैं मिलूंगी आपसे सीतापुर सोनप्रयाग के पास में, और वहां से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी केदारनाथ जी के लिए। तो आप सब एक्साइटेड है?